जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। मैं इसलिए सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको इस तरह की जानकारी जो है वो हमेशा मिलती रहे, ताकि आप हमेशा सही और सटीक जानकारी आपके पास हो, तो आप कभी भी भ्रमित ना हो पाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल और सहज और सरल ज्ञान दिया जाता है, सहज बात दी जाती है। हम सकारात्मक ज्योतिष बतलाते हैं, मतलब मोटिवेशनल वीडियो होते हैं राशिगत, उन पर ही हम चर्चा करते हैं। तो आप चैनल से जुड़ें और वीडियो को पूरा देखें, आपको नई जानकारी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट्स में अपनी जो भी राय लिखना हो ज़रूर लिखेंगे। हम आज बात करने वाले हैं, आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, आपकी राशि जो भी है या आपकी राशि ये है, तो आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस होगा। कि देखिए, बहुत बार ये होता है, हमें जन्म तारीख पता होती है, स्थान पता होता है, सब जानकारियाँ पता होती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये होती है कि हमें नहीं पता होती है, बहुत से लोगों को अपनी जन्म तारीख नहीं पता है, समय नहीं पता है, और ये चीज़ें नहीं पता होती है। तीसरी बात होती है, कई बार जन्म तारीख पता होती है लेकिन समय नहीं पता होता है, और कई बार तो समय भी पता होता है लेकिन जन्म तारीख नहीं पता होती है, और तिथियों में आप ढूंढते रहते हैं। ठीक है, पांचवा सिस्टम ये हो जाता है कि कई बार हम बहुत सारे एनालिटिकों को बताते हैं कि इस तरह से है, क्या किया जाए, पर आप संतुष्ट नहीं होते हैं और बार बार नए की तलाश आप करते रहते हैं। तो ये जितनी भी कंडीशन है अगर आपके साथ हैं, उसके बाद भी आप इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद जो मैं आपको बताऊँगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सबसे पहली बात है कि आपको अगर जन्म तारीख पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तब आप इन सभी चीज़ों को, पता है या नहीं पता है, तब भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई रत्न पहन के रखा है, बहुत से लोग रत्न में विश्वास रखते हैं, वो रत्न उतार दें, क्योंकि रत्नों का मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान कर जाते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए जो भी रत्न आपने पहना है वो सब उतार दें। दूसरे नंबर पर, कोई धातु पहना हो, बहुत से लोग सोना चांदी तांबा पीतल जो भी धातु पहन कर रखा है, कुछ लोहे का कड़ा हाथ में पहन कर रखा है, तो पहले अपने शरीर से कोई भी धातु जो आप पहने हैं वो आप उतार दें। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जो मंगलसूत्र है वो तो पहने, सोना जो कान में जो विसंगार है वो पहने, क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति का, शुक्र का भी एंगल होता है श्रृंगार का, तो वह एक एंगल अलग है, लेकिन खासकर पुरुषों को मैं ये बात कह रहा हूँ, और वो महिलाओं के लिए भी है कि जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो भी एक बार ये अपना है, बेंटेक्स के या दूसरी कोई धातु पहने, जो मेन स्ट्रीम की धातु है हमारी सोना चांदी तांबा, इन धातुओं को इग्नोर करने की कोशिश करें, न पहनने की कोशिश करें। पहले नंबर पर ये बात, दो नंबर पर बात ये हो गई। अब दूसरे नंबर पर बात है कि कई सारे योग हमारी कुंडली में होते हैं, किसी को राहु दूषित है, राहु पीड़ित है, किसी का शुक्र है, किसी का बृहस्पति है, सब प्रकार से, क्योंकि अप एंड डाउन होता रहता है। हर एक कोई भी ग्रह अगर आपका शांत है, जो आपको पता ही नहीं है कि मेरा तो ये ग्रह, क्योंकि आपको तो समय तारीख नहीं पता है, और बहुत से लोगों को पता भी होता है, तो आपको महामृत्युंजय का जाप खुद को करना है कंटिन्यू। 1,25,000 बार कर ले, 50,000 बार, 20,000 बार, कितनी बार भी कर ले, जितनी बार आपका मन हो, लेकिन रोज रेगुलर करें, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। इसका अप्रत्यक्ष, जिससे आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लाभ है, लाभ बहुत है, और बहुत सारे अनुभव अलग अलग। यही चीज़ों को फॉलो करें, आपकी कुंडली, संपूर्ण कुंडली के जो भी दोष है सबका निवारण होगा, स्वास्थ्य, परिवार, व्यवसाय सब बिल्कुल सही होगा, आप इन चीज़ों को फॉलो करें बस। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं आपके लिए और विस्तृत लाऊंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखेंगे जय श्री महाकाल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जय श्री महाकाल।